अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ तुम लोग बिल्कुल फिट फाट होगे, लाइफ को एंजॉय करोगे हमेशा की तरह। गाइस फाइनली तकरीबन 3 साल के बाद हम लोग दोबारा जा रहे हैं टूर पे, और इस दफ़ा का सीन है, टाइटल में देख लियो आप लोगों ने, कश्मीर। तो इस वक्त हम हैं मियाँ जी होटल जीटी रोड पे। इनको पता नहीं क्या कीड़ा तंग किया कि जिस दफ़ा जीटी रोड से जाना है हम लोगों ने, तो मोटरवे के बजाय हम लोगों ने जीटी रोड चूज़ की और खड्डे इंजॉय किए बड़े अच्छे खासे। तो अभी हम चाय शाय पीने रुके हैं। सो गाइस इस वक्त हम हैं मरी एक्सप्रेसवे पे, सुबह के 6:30 हो रहे हैं, नाश्ता करने रुके हम, और बहुत ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रहा शुरू हो गई यहाँ पे। तो सुबह सुबह के टाइम में बड़ा प्यारा व्यू है, जो की आवाज़ें और बहुत कमाल का मौसम है यहाँ पे, नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ के बाद। हम कश्मीर में एंटर हो चुके हैं और ये है कोहाला ब्रिज। कोहाला ब्रिज जो है जहाँ पे है, मतलब आप मरी एक्सप्रेस वे से आते हैं तो कोहाला ब्रिज आता है, कोहाला ब्रिज से आगे सारा कश्मीर है, तो मतलब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, नीचे दरिया नीलम बह रहा है। तो गाइज ये दरिया नीलम है और ये सामने टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है, शाम को यहाँ लोग आके बैठते हैं, चार पहियाँ वगैरह रखी हुई यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है ये भी। प्रोग्राम अचानक चेंज हो गया हमारा, हम लोग जा रहे थे कश्मीर, और जब कश्मीर पहुँचे हम लोग तो हमारा प्लान था आगे मिनी मर्ग जो कि अपना अस्तोर से रास्ता जाता है आगे मिनी मर्ग का, वो आर्मी के अंडर एरिया सारा, तो वहाँ पे आपको आर्मी के पर्सनल की परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम लोग उस कोशिश में भी थे कि हम लोग को इजाज़त मिल जाए, तो फाइनली हम मुजफ़्फ़राबाद पहुँचे थे जब कश्मीर में, तो हमारा रब्ता हुआ और हमें परमिशन मिल गई है। तो हम मुजफ़्फ़राबाद से दोबारा हम निकले हैं गिलगित वाली साइड पे। हमें रूट तो काफ़ी लंबा पड़ा लेकिन हमें मिनी मर्ग ज़्यादा खूबसूरत जगह थी तो हमने वो प्रेफर किया। तो अब हम इस वक्त हैं हम किवाई में, किवाई नेराम का गांव से पहले आता है, तो अब हम निकल रहे हैं मिनी मर्ग वाली साइड पे। इंशाल्लाह हम लोग रात को आज अस्तोर स्टे करेंगे रात को, और सुबह इंशाल्लाह मिनी मर्ग निकलेंगे। ये इस वक्त हम बाबूसर के रास्ते में हैं, और अभी रिसेंटली ही बाबूसर कल की डेट में खुला था ये, तो अभी ये रास्ते इन्होंने क्लियर किए हैं, ये साइडों पे सारी बर्फ़ है और ये इन्होंने डोजर से रास्ता बना के पब्लिक के लिए रास्ता खोला है, कल ही रास्ता खुला ये वाला, और ये सारी बर्फ़ पड़ी हुई आपकी साइड्स पे। इस वक्त हम बाबूसर की तरफ रवाना है, अभी हम लूलूसर लेक है, बाबूसर बीच से पहले आती है, उससे पीछे हम खड़े हैं इस वक्त। तो बाबूसर का ये मसला है कि वो 5:30 बजे के बाद जो है ना वो आप क्रॉस नहीं करने देते, आपको सेफ्टी इश्यूज भी होते हैं, फिर ज़रा रोड ऐसी है। इस वक्त जो है 4:30 हो रहे हैं और हमारे पास टाइम कम है। यहाँ पे ना बाबूसर असल में खुलता है तकरीबन जून जुलाई में जाके खुलता है, बर्फ़ पिघल गई है, रास्ते खुल गए हैं, तो ये अब मई में खुल गया जाके, तो इतनी गर्मी पड़ रही है। सो गाइस इस वक्त सुबह के 5:30 हो रहे हैं और रात 12 बजे के करीब हम सोए थे हम चलास में। इस वक्त ये चलास के पहाड़ है, यहाँ स्टे किया, गाड़ी दिखाई थी मैकेनिक को, गाड़ी का काम सही तरह नहीं हो सका, जुगाड़ू काम हुआ है, वो हम निकल रहे हैं गिलगित के लिए। गिलगित में सुना मैकेनिक्स हैं, तो हम चाह रहे हैं वहाँ ठंडे ठंडे टाइम पहुँच जाएँ और काम करा लें, और बाकी मज़े की नींद आई है, सिर्फ 4 से 5 घंटे सोए हम लोग, 5 बजे के उड़ रहे थे हम लोग। बाकी ये यहाँ पे जो हमारी इन्होंने मतलब जो आप सफ़र पे आए मुसाफिर हैं ना, इनका तो इन्होंने गवर्नमेंट चाहती है कि टूरिज़्म को ये इम्प्रूव करें, यहाँ हरकतें ही नहीं ऐसी। अब टूरिज़्म की पुलिस भी इन्होंने बनाई नहीं, हमें पता देखा भी होगा हम लोगों ने कि अक्सर सुना भी था जो सफ़र करते रहते हैं कि टूरिज़्म पुलिस लॉन्च की है इन्होंने, किसी काम की नहीं है, बिल्कुल फारिग है, कोई इनका मकसद ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब वो हेल्प तो छोड़े वो तो किसी काम की नहीं है। इससे बेहतर है कि ये टूरिज़्म पुलिस की जगह है, यहाँ पर ये रेस्क्यू टीम लॉन्च करें, या मोबाइल वर्कशॉप वगैरह, जिनकी कुछ ज़्यादा खासा गाड़ी ख़राब हो जाती है, कुछ होता है, कोई भी मसला हो सकता है, जैसे हम मोटरवे पे है या फिर रेस्क्यू टीम है, कुछ ज़्यादा खासा किसी को चोट लग जाती है, बाइकर्स आते हैं यहाँ पर, इतने बाइकर्स आए थे माशाल्लाह, तो वो उनकी सेफ्टी के लिए कुछ भी, यानी कोई भी मसला हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है रास्ते में, तो वो मोबाइल वर्कशॉप या मोबाइल रेस्क्यू टीम जो है वो लॉन्च हो, जो कि KKH पे फिरें,
जो पुलिस इन्होंने लॉन्च की है वो तो बल्कि सिर्फ पेड़ निकाले हैं, अंदर गाड़ी में फिरते रहते हैं, कोई काम नहीं इनका, कोई हेल्प मांग लो इनसे तो ये तो कहते हैं कि बस हमारा तो हम तो बस हमारा यही है कि हमने गाड़ी बैठ रहे हैं, गाड़ी से बाहर नहीं आना हमने। राहत बाबू से टॉप के ऊपर हमारी गाड़ी ख़राब हुई है क्योंकि चढ़ाई गंदी चढ़ाई है, वहाँ पर ऊपर पाइप फटा हमारा, जिस तरह नीचे आए हमें पता है, चलास नीचे बाबू सर से जिस तरह हम आए हमें पता है। तो पुलिस जो है ना, टूरिज्म पुलिस, वो टूरिज्म टूरिस्ट के काम की है ही नहीं बिल्कुल भी। तो गाइस गोरा आया हुआ है। अच्छा, ये सामने हिमालयाज हैं और ये जो है ये काराकोरम माउंटेन रेंज है, और ये जो इसके सामने है ये हिंदू कश रेंज है। इस पॉइंट पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों माउंटेन रेंज मिलती हैं आपस में, और ये दरिया सिंध बह रहा है नीचे। सो गाइस, गाड़ी ठीक हो रही है, बड़ी मुश्किल से सामान मिला इसका, इसका रेडिएटर फट गया था, हम लोगों ने चलास से उतर के ठीक कराया। मैकेनिक आपको जो है ना यहाँ पे चलास में मिलेंगे मैकेनिक, या गिलगित में मिलेंगे, चलास में आपको सामान सही मिला नहीं। तो हम लोगों ने फिर चलास से सिर्फ रिपेयरिंग करा के निकले हैं वहाँ से और गिलगित वाली साइड पर आ गए हैं। अगर आप लोगों का खुदा ना खासा कोई मसला होता है तो आप लोग प्रेफर करें कि गिलगित से काम करें, क्योंकि गिलगित में यहाँ पे रोड है अपना शाहीन लिंक रोड है, या PIA लिंक रोड है यहाँ पे। तो वहाँ पे ये है कि सर जिस तरह लाहौर से भी, अगर लाहौर से कोई बिलोंग करता है तो वो जिस तरह लाहौर में बिलासगंज है या बड़े बड़े मैकेनिक जो जहाँ पर सारे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, तो उस तरह यहाँ मार्केट है गिलगित में शाहीन लिंक रोड पर या PIA लिंक रोड पर। तो वहाँ पर सारे ये जो है बड़े मैकेनिक जो हैं या बड़े ऑटो स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, हर किस्म के स्पेयर पार्ट्स, चाहे लाहौर में हो चाहे जहाँ भी हो, चूरी हर जगह फिरेगी आपको, और मौके का फ़ायदा उठाते हैं लोग यहाँ पे हर जगह। ये सामने राखापोशी है, राखापोशी माउंटेन, और पीछे की इस तरफ नागा पर्वत है, वो शायद पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है इसमें। तो मौसम देखिए आप सिर्फ, गाइस आखिर हम तकरीबन 1.5 से 2 दिन बाद नहा धो के फ्रेश होके, शुक्र है गाड़ी ठीक हो गई है, अब हम निकल रहे हैं आगे ट्रैक पे। अभी इस वक्त हम आए नलतर, आगे हम जाएंगे लेक पे। हम लोगों ने अभी जीप हायर की है, उसकी डिटेल भी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो मेन जो चीज़ है जिसके मुझे इंतज़ार था, जिसकी वजह से टूर मैंने किया है, वो बड़ी स्पेशल चीज़ है, वो शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा, ये जो एरिया है ये हम नलतर वेलीज जाते हैं तो रास्ते में आता है, मतलब ये इनका कहना ये था यहाँ पे सारी ग्रीनरी थी, जिस तरह यहाँ पहाड़ देखे सारी ग्रीनरी है, नीचे भी सारी ग्रीनरी थी और फॉरेस्ट था पूरा, जिस तरह साइड से फॉरेस्ट है। यहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई है और सब कुछ बहा के ले गया, ये नीचे दरिया के अंदर सब ख़त्म हो गया, यहाँ पर ये सारा पत्थर है यहाँ पर। इस वक्त हम ब्लू लेक पे हैं, ये आता है नलतर वैली के अंदर। अच्छी खासी ट्रैकिंग है, हम लोग देवसाई भी ट्रैकिंग की है, हम लोग सॉरी जीप ट्रैक है, हम लोगों ने देवसाई भी ट्रैक किया जीप पे, फेरी मेडोज भी ट्रैक किया, और वो रास्ते ज़रा फिर बेहतर थे। इस रास्ते के मज़े ये हैं कि ये असल में है वैली, आगे पहाड़ है साइडों पर और बीच में आप एक जहाँ भी जो भी लेक्स वगैरह हैं, जो भी एरिया सारा पहाड़ों के बीच में, असल बहुत ही खूबसूरत वैली है, बहुत खूबसूरत है, और रास्तों में सारा रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है, लेकिन ये वर्थ है क्योंकि जब आप इतने सफ़र करके आओ, जब आपको ये ऐसे नज़ारे मिले तो मज़ा आ जाता है। ठंड अच्छी खासी है, मेरी जैकेट रह गई गाड़ी में, मैं हाफ टी पहन फेरो तो मुझे एहसास हो रहा है कि भाई ये गलती हुई मेरे से, अभी जाके लेता हूँ मैं जैकेट। हमें तकरीबन 2:30 बजे चले थे हम लोग, तो हम 5:45 पहुँचे हैं, तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का ट्रैक है जीप ट्रैक, 2 से 2.5 घंटे का ट्रैक है, और टोटल 3 लेक्स हैं यहाँ पे, फिरोज़ा और सॉरी सतरंगी लेक है, ब्लू लेक है और एक परी लेक है, बाकी इसके बाद 4 झीलें और हैं, टोटल 7 झीलें हैं, 4 झीलें और हैं, वो 4 झीलों का ट्रैक है, वो आपको पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, वो इससे आ गया है। एक झील जो पहली झील है वो आधा घंटे पे है, इस तरह करते करते ये पूरा दिन चाहिए आपको ट्रैकिंग करने के लिए, पूरी 7 झीलें देखने के लिए। सबसे आखिरी झील जो है फिरोज़ा झील है, वो सबसे एंड में है, तो वो सब कहते हैं सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत है। हमारे पास टाइम कम है असल में, और मगरिब होने वाली, हम लेट काफ़ी हो गए थे।
अच्छा गाइस, ये है परी लेक। यहाँ पे अभी पानी बहुत कम है, अभी यहाँ पे गर्मियाँ आएंगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ये पानी सारा यहाँ पे स्टोर होगा। तो ये परी लेक है ये। अच्छा गाइस, यहाँ पे जीप्स जो आती हैं, ये एक पुरानी जीप है, 1960 मॉडल की ये जीप है और ये 60 TZ खड़ा हुआ है। ये 1960 वाली जो है, इसका किराया है तकरीबन 7,500 रुपये, ये वाली जीप 7,500 रुपये में। और जो ये TZ आया पीछे, ये TZ जो है, इसका रेंट है 10,000 रुपये। और ये मेरे ख्याल ये 7,500 है, तो 7,400 भी नहीं करेंगे ये, इनका कहना ये है। और अभी जिस तरह हमने देखा आते हुए, अभी नलतर की रोड बन रही है तो वो अगले साल तक तैयार हो जाएगी। काफ़ी हद तक रिश्ता ऐसा रास्ता हो जाएगा, गाड़ियाँ वहाँ तक आ सकती हैं, उस पर सारा जीप ट्रैक है। तो उस पर शायद रेंट वगैरह कम हो जाए, और वरना इसका रेंट 7,500, उसका 10,000 रुपये। ये है सतरंगी लेक, और सबसे खूबसूरत लेक कहते हैं, सबसे खूबसूरत लेक है ये। और इसमें टोटल 7 रंग आते हैं, वो कहते हैं जब उसमें धूप पड़ती है ना तो टोटल 7 रंग नज़र आते हैं। अभी इसमें धूप नहीं पड़ी और बल्कि हल्की की बारिश भी शुरू हो गई है, बादल आया काला, हल्की की बारिश शुरू हो गई है और अंधेरा भी हो रहा है साथ साथ। तो अभी सिर्फ 2 से 3 कलर नज़र आएंगे सिर्फ। गाइस, अभी हम लेक से वापसी में, बारिश हो रही है, अंधेरा भी हो रहा है और ठंड बहुत है। अभी मई है तो अभी कहते ये हैं कि, ये कह रहे थे जुलाई अगस्त का मौसम जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है सफ़र के लिए। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश का पता नहीं होता, रात को बारिश हुई थी अक्सर, बहुत तेज़ बारिश होती है। बारिश में अब तेज़ होना शुरू हो गई है, अच्छी खासी ठंड है। अब हम चाय पीने रुके हैं यहाँ पे, यहाँ चाय बन रही है, पीछे दरिया बह रहा है। गाइस, इस वक्त वापसी में अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था और नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था। रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ड्राइवर बाबा था, ऊपर से गाड़ी थी ना 1960 की, वो जब चलती थी उसकी लाइटें बंद हो जाती थी रात को, तो हमें मुख्तलिफ जगह रुकना पड़ता था। कभी एकदम खाई है नीचे और उसकी लाइटें बंद हो जाती हैं, नज़र आना बंद हो जाता है और सुनसान एरिया पूरा। तो वो ये हमारे लिए बड़ा एडवेंचर था, गाड़ी रुकता था, फिर वो तारे लगाता था बार बार, फिर लाइट स्पार्क होती थी, चाहे लाइट चलती थी, फिर हम चलते थे आगे। तो इस वक्त अब हम खाना वगैरह खा के अब हम निकल चुके हैं स्टोर के लिए। इस वक्त रात के 12 बजे हैं और गाइस, ये रास्ता इतना सुनसान था कि मतलब हम 2 घंटे का रास्ता था, हमें 2 घंटे में सिर्फ एक ट्रक नज़र आया क्रॉस करते हुए हमें, वो भी सामने से बस, और पूरा रास्ता सुनसान था। यकीन मैंने 2 घंटे के रास्ते में हमारे मुँह से बातें करते रहे, या तो हम या आयतल कुर्सी पढ़ते रहे हैं, आयतल कुर्सी भी रुकी हमारे ये मुँह से। ऐसा सुनसान रास्ता था कि यार, मतलब सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था लेकिन वैसे ही रास्ता बड़ा खौफनाक था। नीचे दरिया बह रहा है और साइड पे बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है, आपको नहीं पता दरिया कहाँ बह रहा है, सिर्फ आवाज़ आ रही है आपको, और खुश पहाड़ खौफनाक किस्म के। बहुत ही मतलब एडवेंचर भी था और एक डरावना रास्ता था, किसी तरह हम चाह रहे थे जल्दी से ना हम अपनी मंजिल पर पहुँचे। सो दोस्तों, इस वक्त हम हैं अभी स्टोर में और रात को तकरीबन हम 3 बजे के करीब यहाँ पहुँचे हैं। रात की ड्राइविंग की है, रास्ता ख़राब है, रोड ख़राब है, तो जो फैमिली के साथ आ रहे हैं वो रात को ट्रैवल ना करें। अगर लड़के लड़के हैं तो फिर भी एहतियात ही करें, रात का ज़रा सफ़र वो था, काफ़ी ख़तरनाक था, रोड ख़राब थी। और सिकरदू कोई गया है तो वैसे ही रास्ता है सेम, हम 2018 में सिकरदू गए थे, सेम ऐसे ही रास्ता है, लेकिन उस वक्त उसकी रोड बन रही थी। आप सुन रहे हैं रोड बन चुकी है, तो आप 3-4 घंटे में सिकरदू पहुँच जाते हो। हम लोगों को 9 घंटे लगे थे सिकरदू जाते हुए, यहाँ हमें आते हुए तकरीबन 2 घंटे लगे हैं कराकरम हाईवे से अस्तोर आने में, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं आपको। रोड ख़राब है तो आप रात को ट्रैवल ना ही करें, बेहतर है। अभी हम स्टोर में हैं और अब हम निकल रहे हैं मिनी मर के लिए, तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है हमेशा की तरह, आँख नहीं खुली। सुबह 6 बजे उठना था, उसको बंदा उठाने आया, हम लोग वो दरवाज़ा पीटता रहा और हम उठे नहीं, तो अचानक आँख खुली 7:30 बजे और 7:30 हम लोगों को निकलना था, तो इस वक्त 8:30 हो चुके हैं और हम अभी यहीं बैठे हुए हैं। तो गाइज, ये वो गेस्ट हाउस था जहाँ हम रात को ठहरे थे। रात को हम तकरीबन 3 बजे पहुँचे और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही काम जगह थी ये और बहुत मज़े का रेस्ट हाउस था। इसका एक दिन का रेंट जो है वो तकरीबन 6,000-7,000 से लेके तकरीबन 10,000 तक है, और कमरे भी अच्छे और बहुत मज़बूत बना, बहुत मज़े का था ये, और बहुत लॉन, अच्छा बड़ा लॉन एरिया और सीटिंग एरिया, बड़ा मज़े का, नाश्ता खाना सब बहुत मज़े का था इसका। अब इस वक्त हम जा रहे हैं मिनी मर्क और बारिश है, सुबह से ही हो रही है, बारिश रुक नहीं रही, हल्की हल्की बारिश कहीं ना कहीं हो जा रही है। इस वक्त हम हैं चिलमन चौकी। चिलमन चौकी जो है अस्तोर से रास्ता, जब आपने जाना है मिनी मर्ग, चिलमन चौकी पर परमिशन लेनी होती है आप लोगों ने। ये मेरे पीछे चिलमन चौकी है। 3 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको, 3 चीज़ें, कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, 4-व्हील ड्राइव गाड़ियाँ इस तरह की या जो भी हो आपके पास, 4-व्हील ड्राइव गाड़ी,
और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और NIC, ये आपने पहले आर्मी के बंद किसी भी रेफरेंस से परमिशन लेनी पड़ती है आपको पहले, फिर जब आपको जगह में एंट्री होती है और आप जा सकते हैं आगे, वरना आप आगे नहीं जा सकते। ये तीन चीज़ें कंपलसरी हैं। और सुबह 10 से 11 बजे से पहले पहले आपने पहुँचना होता है यहाँ पे, उसके बाद वो एंटर नहीं होने देते क्योंकि वो कहते हैं कि वो टाइमिंग का इशू होता है इनका। इस वक्त बारिश हो रही है, ठंड मज़े की है, बहुत ही प्यारी जगह है, ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी है इस वक्त सारी, और बहुत खूबसूरत जगह है। बारिश रुक नहीं रही हमें इसके आगे बर्फ, क्योंकि वो कह रहे हैं आगे बर्फ़ पड़ी हुई, आगे रास्ते बंद हो बस। अच्छा, ये जो जीप दिखा रहा हूँ मैं आपको पीछे, ये जीप थी पीछे, इनका रेंट जो है ना आपने स्टोर से करनी है गाड़ियाँ, ये तकरीबन रेंट इसका जो है ना ये है 15,000 है, और जो इससे लेटेस्ट मॉडल है प्राडो के TZ वगैरह वो 25,000 में मिलते हैं आपको। गाड़ी आपने पहले से करानी है होटल का, जहाँ आप कोशिश करें जब आप स्टोर आते हैं जहाँ आप ठहरेंगे उन्हीं से कहते हैं कि हमें गाड़ी अरेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग को गाड़ी ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, तो हम लोग लेट भी हो गए थे तो टाइम बड़ा लगा, तो आप लोग जहाँ ठहरे वहीं से गाड़ी अरेंज करा लें। अब मैं आपको यहाँ के नज़ारे कराता हूँ, जगह कैसी है। अभी हम चिमन चौकी भी हैं, वो यहाँ बारिश मौसम काफ़ी ख़राब है, यहाँ बर्फ़बारी शुरू होगी हल्की हल्की, आगे जाने नहीं दे रहे वो लोग, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आगे 4 से 6 इंच बर्फ़ पड़ी हुई है और वहाँ चढ़ाई है फिर ढलान है, तो वहाँ बहुत ख़तरे हैं, मतलब गाड़ी चाहे 4-व्हील ड्राइव भी हो सेफ्टी के बड़े मसले हैं, तो वो नहीं जाने दे रहे आगे हमें। हमें तकरीबन यहाँ घंटा हो गया अभी नाश्ता किया हम लोगों ने, तो यहाँ अभी बर्फ़बारी नहीं रुक रही यहाँ पर, तो बर्फ़ की वजह से हमें आगे रास्ते बंद है सारे, तो हम वेट ही कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल चांसेस मुश्किल आगे जाने के हमारे। अच्छा गाइस, इस वक्त हम हैं रामा मीडोज, क्योंकि वहाँ से वापस आए हैं चिलम से, मिनी मर्ग वाले रास्ते से वो रास्ता बंद था, बर्फ़बारी हो गई, तो यहाँ है तो यहाँ धुंध हुई है, बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं रही। यहाँ पे है कि यहाँ पे इधर में असल में यहाँ पे रास्ता जाता है सीधा लेक पे, रामा लेक भी है और रामा मीडोज, हम इसमें रामा मीडोज हुए, रामा लेक पे गाड़ी जाती थी लेकिन वहाँ ग्लेशियर टूटा ऊपर, तो वो रास्ता बंद हुआ है, ट्रैकिंग हो नहीं सकती, वरना ट्रैकिंग का था प्लान हमारा, ट्रैकिंग करके हम जाएंगे लेक पे, लेकिन वो भी नहीं हो सकती क्योंकि बारिश हो रही है और पत्थर, वो कह रहे पत्थर गिर रहे रास्ते में, तो पत्थर गिरने की वजह से और ये बारिश में स्लिपरी की वजह से ना वो कह रहे हैं आप ना जाएं ऊपर, सब खतरा है। तो यहाँ का नज़ारा कराता हूँ मैं कैसी है, ये ठंड बहुत लग रही है मुझे, काम रहा हूँ मैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है ऊपर से, तो यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको भी। सामने की तरफ लेक है तो यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं इस तरफ से, और ट्रैकिंग करनी है तो ट्रैकिंग यहाँ से होती है, वहाँ से ग्लेशियर टूटा है वहाँ ऊपर कहीं, और वो सारे पत्थर ही पत्थर गिर रहा है वहाँ पर आके, तो वहाँ जाना मुश्किल हो रहा है। लेक उस तरफ पहाड़ के, वो पहाड़ है सामने, उसके पीछे है लेक। अच्छा गाइस, अगर हमने रामा मीडोज आना है ना, तो हम लोग वैसे जीप करके आए थे, तो रास्ता बहुत ख़राब है, अगर आपके पास डीजल गाड़ी है और आप ड्राइवर अच्छे हैं तो आ सकते हैं यहाँ पर आराम से, वरना रास्ता बहुत गंदा रास्ता है और ख़तरनाक रास्ता है, पथरीला रास्ता है, स्लिपरी है, बारिश हो रही है, बड़ा गंदा रास्ता है, लेकिन जगह मज़े की है, तो अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं डीजल गाड़ी पे, वरना आप जीप हायर करें, हम लोग जीप करके आए हैं और जीप वाले ने हमसे लिए तकरीबन 6,000 रुपये, 6 से 7,000 लेता वो, तो 6,000 रुपये लिए अस्तौर से। तो ये तकरीबन 1-1.5 घंटे का ट्रैक है, 1-1.5 घंटे की रोड है, और जो अगर ट्रैकिंग होनी है, अगर आपने अगर रास्ता खुल जाता है तो गाड़ी वैसे खुल जाएगी, रास्ता इस महीने खुल जाएगा वो कह रहे हैं मई में, तो वरना जो अस्तौर का विजिट है ना वो जुलाई और अगस्त का महीना है, जहाँ पर अगर आप आ सकते हैं, हम लोग मई में आ गए, गलती होगी जल्दी आ गए, लेकिन वो सब हमें कभी बादल मिल रहे हैं, कभी धुंध मिल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी बर्फ़बारी पड़ रही है, तो सारा ट्रैक हमारा जो है ना, हमारा टूर इससे ख़राब हो गया। ये सारे कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं रामा मीडोज में, यहाँ लोग कैंपिंग वगैरह करते हैं आके, और यहाँ पर चाय वगैरह हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, और पीछे यहाँ पर छोटी सी पीछे होटल भी हैं, और वाइल्ड लाइफ वालों के भी गेस्ट हाउसेज हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत जगह है ये। रामा मीडोज के अलावा स्टोर मिला यहाँ पे नागा पर्वत का, 3 फेज है नागा पर्वत के, एक चलास से है, एक नफेरी मीडोज से है, और एक यहाँ स्टोर से है रूपल फेज।
जो गोरा जितने भी ये कैंपिंग करते हैं सारे आके कैंपिंग करते हैं वो ऊपर फेस से जाते हैं। हम लोग पहले नागा पर्वत देख चुके हैं और फेरी मिडोस का व्लॉग भी मेरा पहले आ चुका है, तो उसमें हम लोग फिर वहाँ नहीं गए। तो वरना नागा पर्वत का भी एक फेज़ है, वो रूपल फेज़ है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंपिंग वहीं से होती है और सबसे ज़्यादा करीब से जो नागा पर्वत है ना वो आपको वहीं से नज़र आता है। तो एक वो जगह भी है अच्छी, आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। आते हुए तो बारिश इतनी हो रही थी और बादल इतना आया था कि ये सब जो एक ये ग्रीनरी है, जो मीडोज है सारे, ये सारे बादलों में छुपे हुए थे। तो जब हम वापसी में आए तो हमें नज़ारा नज़र आया कि यार ये नज़ारा है क्या असल में। तो इस वक्त हम बादलों के ऊपर हैं और बहुत ही प्यारा नज़ारा है, मतलब आपका दिल खुश हो जाता है यहाँ पर आके। सो गाइस, इस वक्त रात के 9:30 हो रहे हैं और सुबह का नाश्ता किया हम लोगों ने, तो हम लोगों को भूख लगी थी। आज ज़रा टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेयर मिल गया हमें, तो हमने सोचा क्यों ना आज एक्सपेरिमेंट करें। तो आपको लेके चलता हूँ एक्सपेरिमेंट की तरफ।